और नजर डालते हैं भारत सुपरफास्ट पर। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन किया जारी। कानून देश भर में लागू। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम। तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ। एक्ट्रेस सिंगर मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। CAA की अधिसूचना पर दिया धन्यवाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा CAA शांति की ओर मार्ग। CAA लागू होने को बताया लोकतंत्र का सच्चा कार्य। मेरठ में CAA को लेकर हाई अलर्ट। आलाधिकारी सहित SSP फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्ती से कार्रवाई। जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश। CAA लागू होने के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। इसी कड़ी में फुलवारी शरीफ में सहस्त्र सीमा बल और फुलवारी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। प्रशासन ने लोगों से की अपील, माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इसके नियम भी जारी किए। नागरिकता पाने के लिए अमित शाह ने एक फॉर्म भी किया जारी। भारत सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना शुरू करेगी। CAA लागू होने के बाद सियासत तेज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भड़काऊ पॉलिटिक्स शुरू की। कहा CAA विभाजनकारी और गुटसे की सोच पर आधारित, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। CAA के लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद विपक्षी खेमे में खलबली। विपक्षी दल के नेता केंद्र सरकार के फैसले का जमकर कर रहे विरोध। केरल के CM पिनाराई ने इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया। कहा कि वे इसे किसी भी कीमत पर केरल में लागू नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते आए नजर। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा CM मनोहर लाल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 1000 से ज्यादा नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सम्मानित भी करते नजर आए। कहा यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी की निगाहें बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। आज या कल में जारी होगी लिस्ट। दिल्ली में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और CEC के मेंबर हुए शामिल। बैठक में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर हुई चर्चा। 9 से 10 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से की मुलाकात। दोनों के बीच हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने JJP के लिए 2 सीटों की डिमांड की। बिहार विधान परिषद के लिए महागठबंधन के सभी 5 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रहे मौजूद। महागठबंधन की ओर से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली, उर्मिला ठाकुर और माले की शशि यादव ने नामांकन किया। भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट का आदेश। पूरे परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का ASI सर्वेक्षण के लिए इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। जालौन के उरई स्टेशन से केंद्रीय मंत्री भानू प्रताप वर्मा ने काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उरई और एट में लंबी दूरी की 3-3 ट्रेनों का हुआ स्टॉपेज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देवघर दौरे पर रहे। बाबा मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। CM गुड्डा लोकसभा स्तरीय बैठक में भी शामिल हुए। दुमका में भी बैठक। कहा झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत तय। इस दौरान गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी उनके साथ मौजूद रहे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन किए, उसके साथ उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं जयपुर वापसी के बाद भजनलाल शर्मा ने सीएए नोटिफिकेशन के फैसले का स्वागत किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के यदादरी मंदिर में पूजा अर्चना करते आए नजर, यहां उनके साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, राज्य के विकास की मनोकामना की। 2024 चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी की तेज। सपा से सांसद डिंपल यादव से जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार प्रसार को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बीजेपी के बहुत मजबूत नेता और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया तो ये अच्छी बात है। चांद देखने के साथ ही सोमवार को मुकद्दस रमजान की हुई शुरुआत, देश के कई हिस्सों में सोमवार शाम को दिखा चांद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने चांद देखने की तस्दीक की। 30 दिन तक चलने वाले मुकद्दस रमजान को लेकर दिल्ली के तमाम मस्जिदों में तैयारियां पूरी तरह से की गई। एआई को लेकर केंद्र सरकार उठा रही कई बड़े कदम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी। कहा भारत अपना खुद का मॉडल विकसित करेगा, दुनिया चैट जीपीटी और ओपन एआई के बारे में बात कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी सौगात दी। विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की। 383 करोड़ रुपए की लागत से 41 गांवों में फाइट नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी सुविधा और 178 गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की कार्रवाई, 4.18 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच एक्स पर पोस्ट कर ईडी ने दी जानकारी।